गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं स्टडी आइज ए यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस अपडेट में हम बात करने वाले हैं नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाली गई जॉब वैकेंसीज के बारे में। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आउट की गई हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर टेक्नीशियन की पोस्ट रहेंगी, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट रहेंगी, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सारा सिलेक्शन प्रोसेस आपके लिए यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी रहेगी, फॉर्म को अप्लाई आप कैसे कर पाएंगे, इसके लिए वीडियो को एंड तक वॉच करें। वीडियो इंपॉर्टेंट लगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए, ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए करते हैं इस अपडेट को शुरू। ऑफिशियल नोटिस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाला गया ऑफिशियल नोटिस है, जिसका कि आप एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। वैकेंसी नोटिस नंबर आपको दिया गया है, बाकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी रहेगी वो आपकी यहाँ पे 2/5/2023 से यहाँ पे आप जॉब फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसमें जो रहेगी 31 मई की रहेगी, तब तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसमें जो लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो भी आपकी 31 मई रहेगी, एंड आपके जो फीस की रहेगी वो भी 31 मई रहेगी। इसमें जो आपका रहेगा वो सीबीटी वेज टेस्ट आपका रहेगा, वो आपको मैं आगे बता देता हूँ क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। जो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन है वो आपकी ज्वाइंट सेक्रेटरी है गवर्नमेंट कंपनी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जिसमें कि जो ये गवर्नमेंट की जो भी आपके हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के प्रोजेक्ट होते हैं उसमें ये आपकी कंपनी जो वो काम करती है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पे वैकेंसीज रहेंगी वो रेगुलर बेसिस पे रहने वाली हैं नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, जिसमें पोस्ट कोड आप देख सकते हैं टेक्नीशियन के लिए रहेगी यहाँ पे SNT में। इसमें 35,000 से लेके 1,10,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। इसमें NE2 ग्रेड रहेगा, 8 पोस्ट रहेंगी। ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए आपकी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्यूटर ऑपरेटर का, या तो आपने डिप्लोमा कर रखा है इन्हीं ब्रांच से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी जो रहेगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 से लेके 40 ईयर तक आपकी होनी चाहिए, एंड यहाँ पे 4 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। यहाँ पे आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा वो आपका A1 का रहेगा एंड A3 कैटेगरी का रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट आपकी जो रहेगी वो जूनियर इंजीनियर के लिए रहेगी SNT में। इसमें भी 40,000 से लेके 1,25,000 तक सैलरी रहेगी, 8 पोस्ट रहेंगी। डिप्लोमा BE/BTECH इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए, 4 ईयर एक्सपीरियंस के साथ में, 20 से 45 एज रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट आपकी रहेंगी जिसमें कि सेक्शन बी के लिए रहेंगी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी रहेंगी असिस्टेंट मेजर सिविल के लिए 50,000 से लेके 1,60,000 तक सैलरी रहेगी। 11 पोस्ट रहेंगी, डिप्लोमा BE/BTECH सिविल में कर रखी है, अप्लाई कर सकते हैं 4 ईयर एक्सपीरियंस के साथ में। एग्जीक्यूटिव टेक्निकल का मेडिकल स्टैंडर्ड आपका रहेगा, E2 ग्रेड रहेगा, एंड असिस्टेंट मेजर प्लानिंग के लिए भी सेम सैलरी रहेगी। 2 पोस्ट रहेंगी, डिप्लोमा BE/BTECH वाले अप्लाई कर सकते हैं, 4 ईयर एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। असिस्टेंट मेजर ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा, ग्रेजुएट आप होने चाहिए 4 ईयर एक्सपीरियंस के साथ में। जूनियर इंजीनियर मैनेजर सिविल की पोस्ट रहेगी 12, यहाँ पे 2 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ में अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा BE/BTECH सिविल में कर रखी है। नेक्स्ट बात करें मैनेजर सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए 21 पोस्ट रहेंगी, इसमें भी आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस रखा गया है। विदाउट एक्सपीरियंस आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। बाकी जॉब प्रोफाइल आपकी जो दी गई है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें जूनियर इंजीनियर के लिए SNT में जो रहेगा इंस्टॉलेशन सिग्नल टेलीकॉम का रहेगा, एंड जो आपका असिस्टेंट मेजर सिविल के लिए रहेगा ब्रिज कंस्ट्रक्शन का रहेगा, स्टील ब्रिज का रहेगा, टनलिंग का रहेगा, डीलिंग विद वेरियस क्वालिटीज़ का रहेगा, ये आपका प्रोसेस रहेगा, ये सारा आप चेकआउट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जो यहाँ पर रहेगा 3 स्टेजेज में रहेगा, CBT 1, पर्सनल इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, ये 3 स्टेजेज आपकी रहेंगी। जो CBT आपका टेस्ट रहेगा वो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, सिलेबस आपको जो वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। बाकी नॉर्मलाइजेशन मेथड जो आपका रहेगा CBT टेस्ट का वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 शिफ्ट में आपका रहेगा। एंड मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जो मेन पोस्ट थी आपके साथ मैंने डिस्कस कर दी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें सिक्योरिटी बॉन्ड जो आपका रहेगा वो आपका 3 लाख का रहेगा, एंड 3 लाख का ही आपका सेक्शन बी के लिए रहेगा। उसके अलावा रिलैक्सेशन आपको एज पर रूल दी जाएगी 5 ईयर्स की एज में। एंड फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्टली फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे।
बात करें एप्लीकेशन फीस की, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 400 रुपीज़ रहेगी, अदर कैंडिडेट एग्जेम्पशन रहेंगे फीस से। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका रहेगा टेक्निकल क्वेरीज के लिए, जो भी ग्रीवेंस आपका रहेगा वो इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 10 AM से लेके 5 PM तक वर्किंग डेज में कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो पैनल की आपकी रहेगी 2 ईयर्स की डेट रहेगी अप्रूवल के लिए, वैलिडिटी ऑफ पैनल्स का जो रहेगा। बाकी यहाँ पे एम्प्लॉय जो भी रहेंगे गवर्नमेंट PSU से, ऑटोनोमस बॉडी से, उनको NOC यहाँ पे देना पड़ेगा। NOC आपका जो रहेगा मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डेट ऑफ इंटरव्यू के टाइम पे रहेगा। तो काफ़ी अच्छी अपडेट है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस है आपके पास में तो काफ़ी बढ़िया मौका है आपका यहाँ पे जब वो नेशनल हाई स्पीड रेल में जाने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया अपडेट है। तो अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। डेली ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।